मक्का फतह करने गए। कैसी फतह देखिए, कैसे हिजरत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कुफारे मक्का के जुल्म और सितम से बचने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप हिजरत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। इतने सारे उनके साथ गजवात हुए, इतने साथ उनकी जंगें हुई, और फिर एक ऐसा वक्त आया सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का मक्के को जब फतह करने गए, तमाम वो तमाम के तमाम कुफार जिन्होंने सहाबा के माओ का कत्ल किया है, बीवियों का कत्ल किया है, गंदी गंदी हरकतें इन्होंने अलग अलग मुकामात पर की हैं तकलीफें देने के लिए, ये सब जो इन्होंने किया है, कत्लो गारतगिरी आम कर दी, इज्जत उछालना इन कुफारे मक्का ने आम कर दिया, इतने हालात बुरे कर दिए। और अब जब सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के में दाखिल होने आए पूरी फोर्स के साथ, पूरे कुफारे मक्का ने अपने घुटने टेक दिए, अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो सहाबा ने क्या कहा, अल यौमा यौमुल मलहमा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो दिन आज हवा में गोश उड़ाने का, मलहमा जिनके टुकड़े करने का दिन है, इतनी तकलीफें थी, दीन का काम कर रहे थे, इतनी बड़ी तकलीफें थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला नहीं, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज का दिन रहम करने वाला दिन है। इतनी बड़ी फतह अल्लाह ने दी, और आप जानते हैं कैसे गालिब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का में, ये वाहिद वाह